सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे आईफोन XR पे BGMI टेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में। तो जो मैंने पहले वाला टेस्ट बनाया था जब हमारा 17.5 बिल्कुल रिलीज ही हुआ था तब बहुत लोग नीचे कमेंट करके बोल रहे थे और मेरे को इंस्टा पे भी बोल रहे थे कि भाई XR तो वैसे बढ़िया चल रहा है लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में लैग हो रहा है। और बहुत लोग फिर रिक्वेस्ट भी करने लगे कि भाई आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टेस्ट बनाओ। तो इसलिए आज मैं बनाने वाला हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टेस्ट और देखते हैं कि iOS 17.5 पे क्या सच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में XR लैग कर रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि लैग करेगा ही करेगा क्योंकि भाई पहले भी हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे मतलब जब मैंने पहले वाला टेस्ट बनाया था, लेकिन लैग मेरे को तब देखने नहीं मिला था। तो देखते हैं कि लैग होता है या फिर नहीं होता। और मेरे XR की बैटरी हेल्थ है 80% और टोटल मैं 1 hour तक BGMI टेस्ट करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में। आधे घंटे की मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा और आधे घंटे बाद आपको परफॉर्मेंस बताऊंगा कि भाई परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है, क्या सच में लैग हो रहा है। वैसे लैग होगा तो आपको दिख ही जाएगा वीडियो में। तो यही होने वाला है इस वीडियो में एंड अभी फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी आप लोग यहां पे देख सकते हो 100% पे मेरे XR की बैटरी हो रही है और टाइम भी आप लोग यहां पे देख सकते हो 4:10 हो रहे हैं। और 50% ब्राइटनेस पे मैं खेलूंगा जिसपे कि मैं हमेशा खेलता हूं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अभी मैं ऑन कर लूंगा। और साथ ही साथ में अभी आधे घंटे बाद आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साइज भी दिखाऊंगा और उसमें FPS भी दिखाता है तो आपको FPS भी पता चल जाएंगे कि मेरे को एवरेज FPS कितने मिले आधे घंटे में। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना बिना स्किप किए और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे खेलते हुए आधा घंटा हो चुका है XR पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में iOS 17.5 पे। और अभी आप लोग यहाँ पे टाइम और बैटरी देख सकते हो तो 442 हो रहे हैं और 79% पे हमारी बैटरी आ चुकी है। तो बस 21% हमारी बैटरी गई है जो कि भाई देखा जाए ना तो बहुत ही कम बैटरी गई है क्योंकि भाई एक तो 80% मेरी बैटरी हेल्थ है और अभी BGMI भी इतना अनऑप्टिमाइज है तो मेरे को तो लग रहा था कि 28% तक या फिर 27% तो बैटरी ड्रेन होगी होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे iOS 17.5 पे बैटरी बैकअप हमको अच्छा देखने मिल रहा है तो इस वजह से हो सकता है कि हाँ भाई बैटरी थोड़ी कम ड्रेन हुई है। लेकिन हमें बैटरी से भी लेना देना नहीं है, अभी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। वैसे बैटरी यहाँ पे ठीक ही मिल रही है, अगर आपको नॉर्मली जानना हो कि iOS में कैसा बैकअप मिल रहा है iOS 17.5 में तो बैकअप अच्छा खासा मिल रहा है, मैं यही बोलूंगा। और बाकी रही बात परफॉर्मेंस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, तो आपने पीछे लैग देख ही लिया होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे को पहले आधे घंटे में लैग देखने मिला। और हाँ बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ना बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तभी लैग हो रहा है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। लेकिन इस आधे घंटे में मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और आपके सामने मैंने ऑफ भी करा है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो इस आधे घंटे में मेरे को लैग थोड़ा थोड़ा देखने मिल रहा था। और जब भी मेरे आसपास बंदे हो रहे थे ना, मतलब ऐसे मान लो कि हम लोग सेंटर में है मेरी स्क्वाड और हमारे पीछे भी एक स्क्वाड है आगे भी एक स्क्वाड है, तब तो भाई बड़ा गंदा लैग हो रहा था। तो लैग फ्रेम ड्रॉप्स और रेंडर इश्यू तो यहाँ पे जरूर से हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में। लेकिन ना यहाँ पे मेरे को हीटिंग उतनी देखने नहीं मिल रही, जबकि जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना पहले वाले अपडेट पे जब मैं करता था तब भाई बहुत ही ज्यादा हीटिंग होती थी। और अभी आधे घंटे और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा तब आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना एंड अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साइज और FPS वगैरह भी देख सकते हो। तो भाई ऑलमोस्ट 4 GB की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 31 minutes की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है और 54 FPS यहाँ पे एवरेज FPS है। तो भाई देख सकते हो कि कॉन्स्टेंट 60 FPS तो नहीं मिल रहा है, 5 FPS हमको कम ही देखने मिल रहे थे। तो लैग तो यहाँ पे जरूर से हुआ है, ये साफ साफ पता चलता है। एंड बाकी अभी आगे गेम प्ले करते हैं एंड आगे मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा सब कुछ। तो अभी बिना स्किप किए गेम प्ले को देखना एंड अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E.
tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे खेलते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में एक घंटा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी बैटरी आ चुकी है 57% पे और टाइम हो रहा है 5:11, तो यानी कि 1 hour 1 hour हमको हो चुका है खेलते हुए, एग्जैक्ट हमको 1 hour हो चुका है। और देखा जाए ना तो भाई बैटरी यहाँ पे हमारी गई है 43%, जो कि मेरे हिसाब से जितना मैंने सोचा था उससे तो भाई काफी कम है। मेरे को लग रहा था कि आराम से 49 या 50% तो जाएगी ही जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, लेकिन यहाँ पे भाई बैटरी हमारी कम गई है, जो कि सही है भाई। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बैटरी हेल्थ के हिसाब से इतनी बैटरी जानी चाहिए, मतलब 50% तक जानी चाहिए, लेकिन तब भी भाई 6-7% बैटरी हमारी कम गई, जो कि सही है, ठीक है। और अभी अगर बात करें परफॉर्मेंस की और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में ना यहाँ पे बड़ा गंदा लैग हो रहा था, लेकिन वो लैग ना तभी हो रहा था जब बंदे बहुत सारे हो आसपास। ऐसा नहीं कि सामने एक स्क्वाड है तो बहुत ज्यादा लैग होगा, ऐसा नहीं हो रहा था। जब भी 3-4 स्क्वाड या फिर ऐसा होना कि मैं सेंटर में हूँ, मेरी स्क्वाड सेंटर में और आगे भी बंदे पीछे भी बंदे, कहीं गाड़ी आ रही है कहीं कुछ हो रहा है, तब तो भाई बड़ा गंदा लैग हो रहा था। एंड वैसे मेरे को उतना लैग देखने नहीं मिल रहा था। एंड अभी यहाँ पे ना देखोगे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो भी लैग हो रहा है, तो ये इस वजह से लैग हो रहा था क्योंकि भाई आगे ना 2-3 स्क्वाड थी और उनकी फाइट हो रही थी बड़ी गंदी। 500 मीटर के अंदर जितने भी बंदे थे ना, उस वजह से ही बहुत ज्यादा लैग हो रहा है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में ही हो रहा है। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करूँ ना तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पे लैग देखने मेरे को नहीं मिल रहा था, और इतने लैग में तो मैं भाई कैसे ही खेलता। तो भाई मैं 1 hour के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद लैग नहीं हो रहा था एकदम। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में XR पे लैग हो रहा है और पहले से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले तो मेरे को इतना लैग देखने नहीं मिल रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जितना मेरे को याद है। लेकिन ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि भाई जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे ना तो लैग बहुत ज्यादा कम हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे को लैग देखने मिल ही नहीं रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बिना। और मेरे को एक चीज यहाँ पे नहीं समझ आई कि भाई हीटिंग यहाँ पे बहुत कम हो रही थी, मतलब पहले जितनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में हीटिंग होती थी ना, उतनी हीटिंग तो हो ही नहीं रही थी, और तब भी हमारा फोन इतना गंदा लैग हो रहा था ना बंदों के आने पे या फिर बंदे के पास में जाने पे। तो ये चीज भाई थोड़ी सी अजीब लगी कि भाई फोन उतना हीट नहीं हो रहा है लेकिन तब भी भाई लैग बड़ा गंदा हो रहा है, तो ये चीज भाई डाइजेस्ट नहीं हो रही मेरे को। तो बाकी अगर आपको रीजन पता हो इसका तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना। एंड अभी आप यहाँ पे एवरेज FPS और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साइज देख सकते हो, तो अब की बार 28 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है और हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साइज है 3.67 GB, तो सही साइज है, 3.5 GB ही मान के चल लेते हैं। और एवरेज FPS दोबारा से यहाँ पे 54 का ही है, तो भाई इसे साफ साफ पता चलता है कि हाँ भाई लैग तो बड़ा गंदा हो रहा था। एंड बाकी यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और नई वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।